हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों आ गए हैं लखनऊ से। तो अपनी बुआ के घर गए थे, लखनऊ में थे, तो आ गए हैं, कल ही आए थे शाम को। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे आए। काफ़ी दिनों से बच्चे यहाँ नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बट थोड़ा सा आज परेशान भी हूँ। वो क्यों परेशान हूँ? क्योंकि मेरी दोनों बहनों की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवानी की तबीयत तो थी ऑलरेडी ख़राब, और साथ में दीदी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो पता नहीं कि दीदी को अचानक कैसे, मतलब इतना वीकनेस हो रही है, इतने चक्कर से आ रहे हैं, उनको बोतल वगैरह चढ़ रही है, और काफ़ी हालत ख़राब है। तो बस उसी चीज़ को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो देखो, मैं शायद अगर जाऊंगी मिलने दीदी को, तो देखती हूँ कब जाती हूँ। घर से ही नहीं टाइम हो पाता निकलने का। और फिर बच्चे आ गए, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई है फिर से, क्योंकि क्लासेस तो शुरू 1 तारीख से ही हो गया था, लेकिन अभी बच्चे आए हैं। तो कल ही आए थे, तो इतने दिन बच्चे नहीं थे, तो नहीं करवा पा रही थी। अब इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि बच्चों का क्लासेस है, बच्चे जब होते हैं ना तो थोड़ा सा बिजी हो ही जाते हैं। अभी बच्चे नहीं थे तो थोड़ा बिजी नहीं थी इतना, मतलब टाइम था, फ़ोन भी खाली था। और अभी इस समय अब फ़ोन भी खाली नहीं रहेगा बिल्कुल, और टाइम भी नहीं रहेगा ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है। और आप लोग ब्लॉग मेरा, अगर मैं जैसे कभी बीच में नहीं डाल पाती हूँ, बीच बीच में गैप कर जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा पुराना वीडियो है वो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं तो डेली कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूं, बट थोड़ी हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वीडियो नहीं डल पाता है। तो प्लीज़ अगर जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूं, तो आप लोग मेरी और लास्ट की पुरानी वीडियो हैं, तो वो वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊँगी, तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ स्पेशल बच्चों को बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद बच्चे आए, तो मैं सोच रही कुछ अच्छा बनाऊं बच्चों के लिए। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परमल की मिठाई। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बड़े बड़े 5-6 परमल लिए थे, और उसको ऊपर से छील लिया है दोनों साइडों से काट के, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बीच में चीरा लगा के, और इसके अंदर का जो भी बीजे वगैरह हैं वो निकाल दिए, देख सकते हैं। इसको धुल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद देखिए मैंने चाशनी में इसको पका रही हूँ। यहाँ पे बताऊँ, मैंने सारा सामान नहीं था मेरे पास, तो यहाँ कलर वगैरह नहीं डाला है। अगर कलर वगैरह डालती तो मैं अलग तरह से आप लोग को दिखाती, बट थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। तो बस चाशनी में पका रही हूँ इसको, और उसके बाद ये पक जाएगा। ये देखिए, ये गल चुका है और इसमें मिठास आ गई है। अब मैंने यहाँ पर खोया बनाया था, थोड़ा सा खोया भी मैंने घर पर ही बनाया था मिल्क पाउडर से। तो बस यहाँ पर मैं खोया भर दे रही हूँ अच्छे से यहाँ पर। और अगर खोया में भी ज़्यादा मिठास चाहिए, तो वो एक बार चाशनी में डुबो देंगे तो उसमें मिठास आ जाएगी। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बादाम पिस्ता लगा दिया है, और इसी तरह से मैं सारा जो परमल की मिठाई है ना, बना के रख लूँगी। और सच में यकीन मैंने बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने बनाया था, मतलब कतली भी बनाई थी, वो भी आपके साथ मतलब आपको दिखाऊँगी। देखिए, ये मेरी मिठाई तो बन के रेडी हो गई परमल की, और मैंने फर्स्ट बार बनाई थी, फिर भी ठीक बनी, अच्छी बनी है। यहाँ पे देखिए, मैं लौकी की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने लौकी को घिस लिया था, उसका पानी निचोड़ के, उसके बाद मैं घी में थोड़ा सा इसको भून रही हूँ, पका रही हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देसी घी डाला था मैंने 2-3 चम्मच, उसमें अच्छे से इसको पका रही हूँ। और सॉरी, थोड़ा वॉइस आ रहा है बाबू का। ये देखिए, लौकी हमारी अच्छे से पक गई है। अब मैं यहाँ पे दूध और जो मलाई थी इसमें ना, वो ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, मैंने खोए की जगह दूध डाला है। और मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी यूज़ किया था, बट पता नहीं मेरा फ़ोन में ना, मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे फ़ोन ना बहुत हैंग कर रहा था, उसकी वजह से 1-2 क्लिप जो हैं बीच के ना, वो रिमूव हो गए, पता नहीं कैसे रिमूव हो गए। और इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया था, रिकॉर्ड किया था सब, लेकिन आप लोग को पूरी रेसिपी तो ऐसे नहीं दिखा पाई, बट मैं इसमें बता दे रही मैंने क्या क्या डाला था। दूध डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला, उसके बाद जो चूरा मलाई से निकाला था ना, वो चूरा डाला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए जमा दिया था अच्छे से, ये देखिए
और ये जम गया है एकदम, कतली बन के रेडी हो गई, बहुत टेस्टी कतली बनी थी। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मेरे ना पैरों में थोड़े खरबे से हो गए थे, तो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो मेरे मोहरी लगा रही है, क्योंकि मेरी आदत है ना बार बार पैरों को भिगोने की, तो इस वजह से मेरे पैरों में ना थोड़े खरबे से होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मोहरी लगा लेते हैं, मोहरी से क्या होता है ना कि खरबे वगैरह हैं वो चले जाते हैं, तो बस वही लगवा रही थी मैं पैरों में, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा चलो लगा दो फटाफट, उसके बाद में रात भर रहेंगे, भीगेगा नहीं पैर। देखो बाउल गेम खेलने पर डटा पड़ा है और अभी रात के 12 बज गया है और अब मैं सोने जा रही हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आज लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर बाय बाय करो, बाय 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 बाय। अरे 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 तुम तो भागता रहता, मारते रहते तुम तो सबको। बाय बोल दो, गुड नाइट, बाय गुड नाइट।